दोस्तों, वेलकम टू स्टडी टेक। और आज हम पढ़ रहे थे पार्ट टू ऑफ चैप्टर द थीफ्स स्टोरी। तो पिछले पार्ट तक हमने ये पढ़ा था कि हरी सिंह उन नोटों को चुपके से चोरी करके उस रूम से बाहर निकल जाता है, और फिर वो जो पैसा चोरी करने के बाद उसे अपना पैजामा के नाड़े से बांध रहा था और भागा जा रहा था। और थोड़ी देर बाद थक जाने के बाद वो धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया, और चलते चलते उन पैसों को गिना जो लगभग 50 के 600 पीस थे। और ये इतने पैसे थे कि उससे हरी सिंह अपना लाइफ 2 या 3 हफ्तों के लिए एकदम अपना लाइफ को एकदम रॉयल लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता था। यानी कि उस पैसे से वो अमीरों को जैसा रह सकता था केवल 2 से 3 हफ्तों तक। तो फिर जैसे ही हरी सिंह स्टेशन पहुंचता है तो वो टिकट काउंटर में नहीं जाता है और डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में चला जाता है। और लखनऊ एक्सप्रेस कुछ देर में खुलने ही वाली थी। और अब ट्रेन थोड़ी देर बाद ट्रेन सायरन मारती है और धीरे धीरे चलने लगती है। हरी सिंह कोई भी डब्बे में, ट्रेन के डब्बे में कोई भी आराम से बैठ सकता था, लेकिन उस समय वो थोड़ा सा हिचकिचाहट फील करता है, यानी कि हेजिटेशन फील करता है। और वो वहां से जाने का मौका खो दिया क्योंकि ट्रेन अब तक चली गई थी। तो जब वो ट्रेन चली जाती है तो हरी सिंह अपने आप को उस प्लेटफॉर्म में अकेला पाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। और उसके दोस्त इसलिए नहीं थे क्योंकि हरी सिंह ये मानता था कि दोस्त लोग हमेशा परेशान करते हैं और हेल्प बिल्कुल भी नहीं करते। वो अपने लाइफ में केवल एक इंसान को एकदम बढ़िया से जानता था और वो था अनिल। और फिर थोड़ी देर बाद वो प्लेटफॉर्म से निकलता है और चलते चलते धीरे धीरे चलते चलते मार्केट की तरफ आता है। और ये सोचता है कि वो अपने करियर में कई लोगों के बारे में पढ़ा है और समझा है कि उन लोगों का रिएक्शन कैसा होता है जब वो रॉब्ड होते हैं, यानी कि जब उनका सामान चोरी होता है या जब उनकी चीजें खो जाती है। गरीब आदमी के चेहरे पर एक अजीब सा डर होता है, अमीर आदमी के चेहरे पर गुस्सा दिखता है, और जो नॉर्मल बंदे होते हैं यानी कि मिडिल क्लास पीपल, वो चोरी होने के बाद एकदम शांत हो जाते हैं, यानी कि चुपचाप बैठ जाते हैं। और फिर हरी सिंह ये भी सोचता है कि जब अनिल को पैसे के बारे में पता चलेगा तो उसे पैसे का जाने का दुख नहीं होगा, बल्कि ट्रस्ट, विश्वास का टूटने का डर होगा और दुख भी होगा। और अब हरी सिंह चलते चलते एक मैदान में आ जाता है और एक बेंच पर बैठ जाता है। उस समय नवंबर का महीना शुरू हो रहा था और थोड़ा मोड़ा बारिश भी हो रहा था, जिसके वजह से उसे परेशानी हो रही थी। थोड़ी देर बाद काफी जोर से बारिश होने लगती है और इस बारिश की वजह से उसका पूरा शरीर भीग जाता है, यानी कि उसका शर्ट गीले हो जाते, उसका पैजामा भी गीले हो जाते, और यहाँ तक कि उसके नोट्स भी थोड़े थोड़े भींग गए थे। तो फिर हरी सिंह वहां से चला जाता है और एक क्लॉक टावर के नीचे बैठ जाता है। हरी सोचता है कि ये अनिल के पैसे है, और अगर ये पैसा सुबह में उसके पास होता, अनिल खुद ही मुझे 2 से 3 रुपए दे देते सिनेमा के लिए, यानी कि फिल्म देखने के लिए। लेकिन अब तो सारे पैसे, अनिल के सारे पैसे मेरे पास है, और अब ना तो खाना बनाने की जरूरत है और ना ही बाजार जाने की, ऐसा हरी सिंह अपने मन में सोच रहा है, और ना ही ये भी सीखने के लिए कि सेंटेंस को कैसे लिखा जाता है। हरी इन सब चीजों के बारे में भूल गया था क्योंकि वो खुश था कि उसने चोरी किया है। हरी ये जानता भी है कि अगर वो सेंटेंस लिखना सीख जाए तो वो एक दिन में 500 रुपीज से ज्यादा कमा सकता है। चोरी करना तो बस एक सिंपल बात थी, चोरी करना और पकड़ा जाना यह एक सिंपल बात होती है, लेकिन एक बड़ा एजुकेटेड आदमी जो काफी चालाक हो बनना, वैसा आदमी बनना एक अलग ही बात है। और हरी फिर अपने आप से ही कहता है कि वो अब अनिल के पास जाएगा ताकि वो पढ़ लिख सके और एक बड़ा अच्छा बड़ा एजुकेटेड आदमी बन सके। और फिर वो थोड़ी देर बाद जल्दी से उस रूम के अंदर आ जाता है। वो उस समय काफी नर्वस होता है क्योंकि चोरी करना तो आसान होता है, लेकिन बिना पकड़े जाए उसी पैसा, चोरी किए गए पैसे को वापस रखना बहुत मुश्किल का काम है। जब हरी सिंह उस रूम में पहुंचा तो वो धीरे धीरे अनिल के बेड की तरफ गया और अपना हाथ अनिल के तकिए के नीचे जैसे ही करता है तो अनिल एकदम से घूम जाता है
और उसका सांस, अनिल का सांस का गर्माहट हरि सिंह अपने हाथों में महसूस करता है और फिर वो धीरे से उन पैसों को वो मैट्रिक्स के नीचे रख देता है जहां अनिल ने पहले उस पैसों को रखा था। अब दूसरी सुबह हरि सिंह देर से उठता है और जब वो उठता है तो देखता है कि अनिल पहले ही से चाय बना चुका है और फिर अनिल अपना हाथ आगे करता है और कहता है, हरि सिंह से कहता है कि तुम्हारे फिंगर के बीच में एक 50 रुपए का नोट कल रात को था। जब ये बात हरि सिंह सुनता है तो उसका एकदम दिल बैठ जाता है। उसका दिल इसलिए बैठ जाता है क्योंकि वो सोचता है कि उसकी चोरी पकड़ा गई है। और फिर अनिल ने कहा कि उसने कुछ पैसे कमाए थे और अब तुम्हें यानी कि हरि सिंह को वो रेगुलरली पैसे देगा। यह सुनकर हरि सिंह थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो फिर जब उसने नोट्स की तरफ देखा जिसे वो कल रात को चुराया था उसकी तरफ देखा तो पाया कि वो नोट्स अभी तक गीले ही थे। और फिर अनिल ने कहा कि आज से हम लोग सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। अनिल को ये सब पता था लेकिन ना ही उसने कुछ बोला और ना ही उसकी आंखें कुछ इशारा की और उसने उस चोरी के बारे में कुछ भी नहीं जताया। और फिर हरि सिंह भी अनिल पे मुस्कुराया जैसे कि वो हमेशा मुस्कुराता था। और इस बार जो हरि सिंह के चेहरे में लिप में स्माइल आई थी वो बिना किसी एफर्ट के कोशिश की खुद पे खुद आ गई थी। तो ये था दोस्तों हमारा चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन द थिफ स्टोरी का। आई होप आप लोग को समझ में आने के साथ साथ पसंद भी आया होगा। सो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट।